हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंशिका हैप्पी गार्डन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टेडी बियर लिया है पुराना, और मैंने यहाँ पे एक पुराना डिब्बा लिया है, वेस्ट डिब्बा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पॉट प्लेट है, ये पॉट रखने वाला, और मेरे घर पे था तो मैंने यहाँ से एक ले लिया है। और फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सीमेंट का घोल बना लिए हैं। अब इस घोल को हम लोग इस प्लेट में अच्छी तरह से डालेंगे, फिर इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे, और जो बचेगा फिर हम उसी बर्तन में डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने पूरे में अच्छी तरह से लगा लिया है। फिर फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे सीमेंट लेंगे, सीमेंट का पेस्ट, और उसे भी अच्छी तरह से हम लोग पूरे में लगा लेंगे। इस तरह से आपको लगा, मैं पूरे में लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, लगा लिया। अब हम इसे थोड़ा सा चिकना देंगे। फिर फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे फिर से घोल लेंगे सीमेंट का, उसमें इस टेडी बियर को अच्छी तरह से भिगो लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से सीमेंट से कर दिया है। अब फ्रेंड, हम लोग उसी प्लेट के ऊपर इस टेडी बियर को बैठा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने इसे बैठा दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे बीच में एक होल बना दिया है। होल बनाने के बाद फ्रेंड्स, आप कोई भी वेस्ट कपड़ा ले सकते हैं, और मैंने उसी घोल, बचे हुए घोल में इसे अच्छी तरह से कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग इस वेस्ट डिब्बे में इसे कपड़े को लगा देंगे अच्छे से। तो मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स सबको लगा लेना है। फिर फ्रेंड्स, हम लोग इस पॉट को यहाँ पे रख देंगे इसी प्लेट के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड, अब फ्रेंड हम इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राई हो चुका है। मैंने इसे चिकनाने के लिए फिर से घोल बनाया है। मैंने बहुत बार इसे चिकनाने में आपको सीमेंट लगाना है, चार बार मैंने लगाया है, ये मेरा फोर्थ टाइम है इसका लगाने का। तो मैं इस तरह से इसे कर दूँगी। फिर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे छोटे से कटोरी में बनाया सीमेंट। अब फ्रेंड्स, हम लोग सीमेंट की हेल्प से यहाँ पे ईयर्स बनाएंगे। मैंने उस समय नहीं बनाया था, तो अब ये जब सूख गया है तब मैं यहाँ पे ईयर बना दूँगी। अब फ्रेंड, हम इसे भी सूखने के लिए रख देंगे। फिर फ्रेंड्स, ये देखिए, फिर हम लोग यहाँ पे पुट्टी लिए हैं, और फ्रेंड हम लोग उसी से इसे चिकनाएंगे पूरे में, आपको करना है। सो इस तरह से फ्रेंड मैंने कर लिया है, मैं आपको पूरे में करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हम लोग ने इसे चिकना लिया है। अब हम यहाँ पे आइस बनाएंगे, टू आइस। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत है। पहले हम नोज़ लगाएं यहाँ पर बनाएंगे। सो फ्रेंड, इस तरह से आपको नोज़ बनाना है। सो ये देखिए फ्रेंड, सबसे मैंने कर लिया है। अब फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग आइज लगाएंगे वाटर की हेल्प से। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने आइज भी लगा लिया है इस तरह से। फिर हम लोग कोई टिनके की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे भाई का आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर करिए। सो फ्रेंड, अब हम यहाँ पर ट्रायंगल शेप का बनाया है, उसे भी हम लोग यहाँ पे वाटर की हेल्प से लगा देंगे माउथ के पास। ये इसका नोज है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसे सैंड पेपर से हल्का हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हम लोगों ने स्क्रब कर लिया है। फिर फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे पिंक कलर बना लिए हैं, और हम पिंक कलर की हेल्प से इसके पूरे पार्ट को हम लोग करेंगे टेडी बियर के, और इसके आई को छोड़ देंगे, और इसके नोज़ को, बाकी सब हम लोग पिंक कलर करेंगे। और इसके पॉट को भी आपको नहीं करना है। अब फ्रेंड, हम लोग इस प्लेट को ग्रीन कलर से करेंगे पूरे प्लेट को। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने ग्रीन कलर से कर लिया है। अब फ्रेंड्स,
हम लोग यहाँ पे ब्राउन कलर लेंगे ऑयल पेंट। फ्रेंड्स सब मैंने ऑयल पेंट से किया है और इसे भी हम लोग करेंगे। ये मैंने घर पे ही बनाया है और हम इसे आपको पूरा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने पॉट को भी पूरे ब्राउन कलर से कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक्रेलिक येलो कलर लेंगे और येलो कलर से हम फ्लावर्स को पेंट कलर करेंगे। मैं आपको पूरा कलर करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स कलर करने के बाद मैंने जो बीच में बॉल बनाया है उसे भी हम लोग ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, फिर हम इसके आई को भी ब्लैक कलर से बनाएंगे। बीच में आपको एक छोटा सा सर्कल बना के उसमें अंदर ब्लैक कलर कर देना है। फिर उसके नोज़ को भी फ्रेंड हम लोग ब्लैक कलर से ही करेंगे। देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने नोज़ को पेंट कर लिया है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हम लोग आई यहाँ पे ईयर पे भी इस तरह से ब्लैक कलर से पेंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। बस इसमें आपको प्लांट लगाना है, तो मैं आपको प्लांट लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये स्नेक प्लांट है और हमें इसमें स्नेक प्लांट लगाना है और इसी पॉट में हम लोग को स्नेक प्लांट लगाना है, तो मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसके रूट से ही निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे कोई भी आप चीज़ ले सकते और यहाँ पे जहाँ पे मैंने छेद किया था वहाँ पे रख के और आपको थोड़ा सा मिट्टी डाल के इस स्नेक प्लांट को लगा देना है। सो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, आप कभी भी नहीं सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।